मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितने को किसी के भी घर को इसी एक नोटिस के बिना पर गिराया जा सकता है। जो भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी पड़ोसी विधानसभा से हैं, ये तो कोई बहुत बड़े माफिया हैं, हजारों लीटर शराब पकड़ाती है, किसी से ढका छुपा हुआ तो है नहीं। तो अब जब चोर ही अगर जज बन जाए, वकील बन जाए, तो फिर कैसे चोरी रुकेगी। हम बता देना चाहते हैं रामसूरत राय जी को कि अगर आप एक घर के ऊपर भी हाथ लगा के देखिए तो रामसूरत राय जी या आप, आपके ऊपर मंत्री पद आ गया ना कुछ समय के लिए, तो आपके ऊपर नशा चल रहा है मंत्री पद का। क्या हुआ था उस दिन, अब आप लोग क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं, न्याय चाहिए। मेरा दो लड़की है, देखिए ये बच्चा रोड में है, रोड पर है, एकदम रोड पर है। किसी का लार्जर है तो लार्जर का नहीं, हम तो रोड पर है। चलिए देखिए वहाँ पर बिछावन रोड पर है। लोग बता रहे हैं कि जब पुलिस आई थी तो आप लोग शायद अंदर थे। अंदर नहीं थे, छल करके सब लेडीज को ले गया हुआ थी थाना में। अब इधर का पार्टी बोला कि उधर का नहीं, उधर का पार्टी क्या बोला कि लेडीज सबको बुला रहा है थाना में, बड़ा बाबू बुला रहा है। जब सारा लेडीज हम सब चल गए, हम सब नहीं बुझे बात को, हम सब चल गए तो सब ले गया, धोखा दे, हाँ धोखा दे के ले गया। वहाँ पर सारा लेडीज चल गए, दोनों बच्चियों के हम लेकर चल गए। वहाँ पर जाने के बाद गाड़ी लगाई नहीं थी, वो क्या क्या दरोगा जो है वो था, चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो। आ बहुत लेडीज सिपाही को बुला के ले आया, चारों तरफ से घेरा कर दिया। देखो हम लेडीज के लिए हम इतना लेडीज सिपाही मंगाया है, कोई इधर से उधर जाएगा तो डंटा देख लो मेरा, सबको डंटा हम पीटेंगे, कोई नहीं है यहाँ पर से उठना है। और नाश्ता पानी सब कुछ मंगा मंगा कर, चाय सब कुछ ला कर दे रहा था, लेकिन हम सब कुछ नहीं, अन्न भी नहीं धरे। हम कहें कि हमारे घर पर वहाँ टूट रहा है, यहाँ हम लोग सबके बैठाए हुए हैं। ये लड़की बोली कि मेरा सर देखिए मेरा कोचिंग छूट रहा है, तो क्या कर रहा है वो दरोगा कि इसे नाटक करती हो, कोचिंग छूट रहा है, ये कोचिंग से बड़ा कौन कोचिंग होगा, क्या बनेगी कोचिंग में, दरोगा बोल ले तुम खर्च चाहती है, न्याय चाहती है, न्याय चाहती है, अन्याय जो हुआ है उसका निर्णय करिए। कोई जनता आपका पुरसा किया या कुछ स्टेटमेंट दिया है वो आपको? कुछ नहीं दिया है अभी, कुछ नहीं, अभी पाँच दिन हो गया, पाँच दिन से हम सब रोड पर है, तीन गो दो गो बच्चिया लेके। कितने साल से थे इस घर में? बहुत जमाना से, सौ जमाना से। हमको तो शादी हुआ है 16 साल का उम्र, 16 साल हुआ है शादी का, लेकिन इससे पहले दादा पर दादा कौन सब 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 था, सब सब एसी का ही रूम था। अभी जो आप बात कर रहे थे यहाँ पर, ये जो अभी यहाँ से बुलडोजर चला है, जी जी, क्या लगता है ये कहाँ तक जो हुआ? ये जो चला है बहुत गलत चला है, और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग से आप लोग पूछ लीजिए, हकीकत पता चल जाएगा, है ना। देखिए हकीकत पता चलेगा कब, जब बूढ़े बुजुर्ग से जब पूछेगा ना, और यहाँ अधिक लोग हैं, बहुत मान्यथी में है, उस सब लोग से पूछ लीजिए, है ना। जो भी चीज हुआ है बहुत जुल्म हुआ है, इस पर जो है ना सही से जांच टीम बैठवाया जाए, सीबीआई इस पर बहाल कीजिए, इसको सही से जांच करवाइए। कौन करेगा ये, आपको किससे ये उम्मीद है? ये तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, है ना, हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, आज आप लोगों के बीच आज अभी जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे, आज डॉक्टर मस्कूर अहमद उस्मानी जी आए, जी जी, उनसे कुछ गुहार लगाना चाहेंगे उनके जरिए? हम यही कहेंगे, देखिए जो हकीकत है उसको न्याय मिलना चाहिए, हाँ न्याय मिलना चाहिए, हाँ न्याय, बहुत बड़ा न्याय हुआ। आयु कितना? हमारा हो गया 57 साल। 57 साल? जी जी। आप कब से देख रहे हैं इस घर? हम इनको देख रहे हैं, इनके बाबूजी थे रामचंद्र चौधरी और राजा भाई के बाबूजी चूल्हा चौधरी जी है, सब कुछ इस पर पहले मट्टी का घर था पहले। अच्छा, मट्टी आप देखे हुए? जी जी। ये बताइए इसमें किसका खेल लग रहा है आपको? खेल तो यही है कि कुछ दिन पहले जो जाले ब्लॉक में सीओ आया था, खुल के बोलिए, खुल करके हम सब दिन बोलते हैं, कौन सीओ आया था? पासी जाति से आया था। अच्छा, वो जो है अपना हेरा फेरी करके चला गया अपना, है ना। अच्छा, हेरा फेरी करके चला गया। जी जी, एकदम सही बात है, किसी भी आदमी से पूछा जाए, हकीकत वही बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक लगभग 90-92 वर्ष आयु के एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मिर्जा हबीबुल बेग। सबसे पहले तो इनका नाम, ये राजनीतिक भाषा के हिसाब से बिल्कुल वैसे लोग दूसरे नजरिए से देखेंगे, क्योंकि मामला एक पासी और कलवार के बीच हुआ है, लेकिन एक मिर्जा हबीबुल बेग नाम के लोग बोलना चाह रहे हैं। अब क्या बोलना चाहेंगे इस मामले पे? ये तो यही बोलेंगे कि बहुत जुल्म हुआ है, इसलिए कि 90 वर्ष हमारा उम्र है, उससे पहले से मकान बना हुआ है सब,
और ये बुलडोजर लग गया भाई, हाँ, सब घर से बाहर है, रोड पे है, सड़कों पे है, कोई देखने वाला नहीं। हाँ, सबको बर्बाद कर दिया एकदम, और सबको ले आके बंद कर दिया थाना में, किसी को हिलने नहीं दिया। इतना बड़ा जुलूम नहीं होना चाहिए। आपने अपने उम्र में इससे पहले कभी ऐसा देखा था? कभी भी नहीं ऐसा देखा। तो ये कहीं ना कहीं जाले की धरती पर, दरभंगा जिला के अंतर्गत जाले प्रखंड के जाले नगर परिषद होने के बाद, जाले नगर परिषद यानी जाले की तरक्की के बाद एक ऐसा मामला सामने आया जो कि पूरे इंसानियत को सवालिया निशाने पर खड़ा कर दिया, और इंसानियत को बिल्कुल नीचे स्तर पे ला करके खड़ा कर दिया। इंसानियत को खुला चैलेंज एक बुलडोजर कांड के बाद हुआ। जुलूम नहीं कभी हुआ था। आपके हाथों में जो दस्तावेज दिया गया है, ये कब कब का पेपर है और क्या ये जरूरी पेपर है? सालों पुराना पेपर है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि इनका ज़मीन का जो और मकान का जो वो पर्ची कटता है वो सब है, ठीक है, और जो जमाबंदी का पेपर है इनका, वो सारा पेपर यहाँ पर है। कोई भी बात यहाँ पर जो है वो जमा खर्ची नहीं हो रही है बोलने के लिए, ये इनके पास पूरा प्रमाण है। जो टाइटल इनका जो सूट चल रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, वो तमाम पेपर्स यहाँ पर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, एक एक करके पेपर अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं पेपर, तो आपको सही लग रहा है? बिल्कुल, पेपर पूरे हद तक जो है मुझे लगता है ठीक है। मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कानून की, ठीक है, उसमें मुझे देख के यही लग रहा है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, और जब कोर्ट में मामला लंबित होता है तो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी लीगल लड़ाई है, जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी प्रक्रिया है, हम उसका सहयोग करेंगे, उसमें इन लोग का सहयोग करेंगे। साथ साथ हम तमाम जाले के लोगों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई को आप एक व्यक्ति की लड़ाई मत समझिए, ये लड़ाई पूरे जाले के लोगों की लड़ाई है, ये लड़ाई हर समाज के लोगों की है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से आते हो, हर किसी की लड़ाई है। क्योंकि ये आज एक व्यक्ति का, एक परिवार का मकान को गिराया, कल को हो सकता है, मतलब एक परिवार के अंदर चार परिवार थे, बाद में परिवार बड़ा होता जाता है, कल को किसी के भी घर को इसी एक नोटिस के बिना पर गिराया जा सकता है। तो अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, लोग सौ सौ साल से जिस घर पर रह रहे हैं, जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिस जमीन को खरीदने में, जिस मकान को बनाने में खून पसीने की कमाई लगती है, जिसमें जो है वो एक पिता सब कुछ त्याग देता है, एक माँ सब कुछ त्याग देती है, तब जाकर एक मकान की नींव डलती है, मकान खड़ा होता है, उस मकान को सेकंडों और मिनटों में बुलडोज कर दिया गया, तो किसी के साथ भी ये हो सकता है अन्याय। तो जाले के लोगों से अपील है कि एकजुट होकर इनके साथ खड़े रहें, इसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास। अच्छा, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप ये बताएं कि इस जो परिवार को घर से बेघर किया गया है, जो सड़कों पर परिवार आया है, उस परिवार से इससे पहले पक्की खबर की टीम ने जब बात की थी, तो उस परिवार में एक लड़की ऐसी भी है जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहती है और अभी बीएससी पार्ट वन में है, और कहीं ना कहीं वो देश की भविष्य के लिए ही है, ऐसे बच्चे देश के भविष्य होते। मैंने आपसे यही कहा कि जब मैं इस मुद्दे पर जब मैं गया ये सामने मौके पे, तो मैंने देखा कि मलबे के अंदर किताबें दबी हुई हैं, कापियां दबी हुई हैं, कलम दबे हुए हैं। एक एक इनका जो छोटा सा एक बच्चा है इनके परिवार में, यूकेजी में है, एक बच्चा टू क्लास में है, एक बच्चा जो है वो हाई स्कूल, एक बच्ची जो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, और दूसरे तरफ आप उसी बेटी के घर को बुलडोजर से गिरा देते हैं, उसकी कलम कॉपियों को, किताबों को जो है आप मलबे के नीचे दबा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ढकोसला है सरकार का। आपको ये सोची समझी साजिश है? ये पूर्णतः सोची समझी साजिश है। जो भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी पड़ोसी विधानसभा से हैं, ये तो खुद बहुत बड़े माफिया हैं, ठीक है, उनके भाई के स्कूल में हजारों लीटर शराब पकड़ाती है, किसी से ढका छुपा हुआ तो है नहीं, मीडिया ने रिपोर्ट किया, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने। तो अब जब चोर ही अगर आपको जज बन जाए, वकील बन जाए, तो फिर कैसे चोरी रुकेगी? अच्छा, जिस दिन ये बुलडोजर चला था जाले के अंदर में, फ्राइडे शुक्रवार का दिन था, उस दिन सदन से जब राम सूरत राय जी भूमि सुधार मंत्री जो है वो जब सदन से निकले थे, तो नेशनल चैनल और बहुत सारे मीडिया कर्मी के सामने ये बात कह दी थी उन्होंने कि मेरे बुलडोजर अभियान की शुरुआत अब जो है सबसे पहले दरभंगा जिला के जाले से। इस तरह की साजिश अब नहीं होने देंगे, ठीक है, ये धोखे से इनके पास घंटे भर के अंदर ये काम कराया गया। हम बता देना चाहते हैं रामसूरत राय जी को कि अगर आप एक घर के ऊपर भी हाथ लगा के देखिए, तो रामसूरत राय जी, जाले की जनता और बिहार की जनता आपके ऊपर भी बुलडोजर चलाने में सक्षम है, ये हम साफ साफ बता देना चाहते हैं। जनता को कमजोर मत समझिए,
जनता हर अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार है, और एक व्यक्ति का ये मकान नहीं गिरा है, इनका मकान जो गिरा है ये मेरा मकान गिरा है, मैं ये समझ कर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो आखिरी पायदान पर लोग खड़े हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ये आपके ऊपर मंत्री पद आ गया ना कुछ समय के लिए, तो आपके ऊपर नशा चल रहा है मंत्री पद का, तो बिहार की जनता आपके नशा को उतारने में, जो आप शराब का काम काले धंधे से कर रहे हैं और नशे में चूर हैं, उसको उतारने में सक्षम है बिहार की जनता। जी अभी आप इनको गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं? हमने बताया ना कि जो लीगल हेल्प होगा, चूंकि मामला कोर्ट में, कि कुछ एडिशनल वकील इनको कर दिया जाए तो वो किया जाएगा। दूसरी तरफ से हम पूरे जाले के लोगों को कह रहे हैं कि एकजुट हो जाइए, सरकार का जो ये जो इस तरह का अभियान है और इस तरह की जो सोच मंशा जो है, जिसमें सरकार और सरकार के मंत्री स्वयं इन्वॉल्व है। मंत्री जी बोलते हैं कि हमको पेट का दर्द का आप बताइए, हम पेट का इलाज करते हैं, आँख का इलाज नहीं करते हैं। तो हम आज खुले तौर पर कहना चाहते हैं, मंत्री जी, जाले की जनता आपके मोतियाबीन का इलाज कर देगी, याद रखिएगा। आपको आँख का इलाज नहीं आता ना, जाले की जनता को आता है आँख का इलाज करना, और नहीं आता है तो मैं बता दूं, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूं, हम भी बहुत अच्छे अच्छे आँख के डॉक्टर को जानते हैं, हमारे दोस्त लोग हैं। ऐसा मोतियाबीन ठीक होगा ना कि आप भागते फिरिएगा। फिर एक कंबाइन प्रेस रिलीज में आप सब से जो बातें हुई हैं, आप सब से लेता हूं विदा K4U न्यूज़ और पक्की खबर से, हम और हमारे पूरे प्रेस टीम, और इस तरह के सारी सच्ची बातों को दिखाने के लिए, इस मामले से जुड़ी सारी बातों को दिखाने के लिए हमारी जो भी यहां से लोकल पत्रकारिता करते हैं वो सब हमेशा जुड़े रहेंगे। आदमी को बताइए।